नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सलमान खान नहीं बल्कि अब इस खान के साथ करेंगे बॉबी देओल अपना डिजिटल डेब्यू। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। बॉबी देओल ने बॉलीवुड में सलमान खान की फिल्म रेस्ट्री से कमबैक किया था। उसके बाद बॉबी देओल को शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिल गया है। रिपोर्ट्स की माने तो बॉबी जल्द ही शाहरुख के साथ डिजिटल डेब्यू कर सकते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉबी देओल ने शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया है। ऐसा पहली बार होगा जब शाहरुख खान के साथ बॉबी देओल की जोड़ी किसी प्रोजेक्ट के लिए बनेगी। इस फिल्म को शाहरुख खान प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन दोनों स्टार्स का क्या रोल होगा इसे लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। बता दें, शाहरुख खान और देओल परिवार का लंबे समय से अच्छा रिश्ता है। ऐसे में बॉबी के लिए शाहरुख खान के साथ काम करना आसान है। बॉबी के करियर को इन दिनों संभालने का जिम्मा सलमान खान ने लिया है। बॉबी देओल को फिटनेस के टिप्स से लेकर उनके फिल्मी प्रोजेक्ट तक इन सारी चीजों पर सलमान खान पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं। बॉबी देओल 90 के दशक के सुपरहिट हीरो रहे हैं, लेकिन बाद में फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह से उन्हें करियर में ज्यादा सक्सेस हाथ नहीं लगी। अब बॉबी देओल के करियर को एक बार फिर सलमान खान और शाहरुख खान ने संवारना शुरू कर दिया है। देखना ये होगा कि बॉबी देओल के करियर में इस फिल्म का क्या असर होता है। इससे पहले बॉबी की कमबैक फिल्म रेस 3 को फैंस ने पसंद नहीं किया। हालांकि बॉबी के लुक को फैंस ने काफी सराहा था और बॉबी के कमबैक को लोगों ने पसंद किया था। आपको बता दें, दबंग 3 में सलमान खान के युवावस्था का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जिसमें बॉबी देओल उनके दोस्त के रोल में दिखेंगे। मूवी में दोनों एक्टर्स का याराना देखने को मिलेगा। बॉबी का रोल काफी अहम बताया जा रहा है। हालांकि दबंग 3 में बॉबी देओल की कास्टिंग की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन संभव है कि फिल्म में बॉबी और सलमान की जोड़ी देखने को मिल जाए। और अब बॉबी से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है कि वो डिजिटल डेब्यू करने वाले हैं शाहरुख खान के साथ। इंतजार करते हैं इस खबर पर अगले अपडेट का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।